सो हेलो एंड वेलकम यार गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं और डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम बोट के बजट ईयरबड्स TWS का अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमें 1000 रुपीज़ में मिले हैं एंड ये कल रात को अवेलेबल हो गए थे, अभी डिलीवरी मिली है एंड हम इनका अनबॉक्सिंग देख लेंगे, जान लेंगे क्या क्या बॉक्स कंटेंट हमें मिलते हैं एंड किस टाइप की ये ईयरबड्स हैं। ये कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इनका ओवरव्यू, कैसे इनको कनेक्ट करते हैं, साउंड टेस्ट क्या है, कॉल क्वालिटी टेस्ट क्या है, गेमिंग के लिए है नहीं है, चार्जिंग टाइम एंड बैटरी लाइफ के बारे में एक और व्यू हम कर लेंगे कि वर्थ 1000 रुपीज़ ये ईयरबड्स हैं या नहीं। तो गाइस अनटिल एंड आप जरूर ये वीडियो देखें। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल JSTech एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यार गाइस, बिना किसी डिले के ये अनबॉक्सिंग वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं बोल्ट ऑडियो के लेटेस्ट ईयरबड्स। तो गाइज ये ईयरबड्स जो हैं उनका नाम है बोल्ट का एयरबस एक्स फोर्ड TWS ईयरबड्स, 1000 रुपीज़ जैसे आप मैंने आपको बताया हमें इस प्राइस में ये मिले। ओके, तो एक्स पोर्ड्स आप इनको बोल सकते हैं सिंपली। तो अगर हम इनकी डिटेल की बात करें तो एक साल की वारंटी हमें मिल जाती है। 13 mm के ड्राइवर यहाँ पे बोल्ट ने बोला है। 5.1 कनेक्टिविटी आपको ऑन पेपर लाइक ऑन वेबसाइट मिलती है, बट यहाँ पे 5.0 कनेक्टिविटी है। पता नहीं लाइक मीवी एंड बोल्ट ऐसा क्यों करते हैं, आपको ऑन पेपर कुछ स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं एंड आपको बॉक्स पे कुछ अलग मिलता है। ऑन वेबसाइट उन्होंने 24 घंटे का बैटरी लाइफ बताया था, बट रियलिटी में हमें लाइक बैटरी लाइफ आई डोंट नो कितना मिलेगा। ओके, तो बॉक्स की लिड हटाते ही हमें बोल्ट ऑडियो का ये बुकलेट मिल जाता है। यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स मिल जाते हैं। ओके, एंड एक वारंटी कार्ड यहाँ पे है, इनको रख देते हैं साइड में। एसेसरीज़ का बॉक्स यहाँ पे आता है एंड एसेसरीज़ बॉक्स में मोस्ट प्रोबेबली एक टाइप सी की डेटा केबल एंड कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे टाइप सी की केबल थी। ओके, एंड बोल्ट ऑडियो काफ़ी लाइट वेट फील हो रहे हैं एंड जो फर्स्ट इम्प्रेशन गाइज वो ऐसा है कि काफ़ी लाइट है, ग्लोसी काइंड ऑफ फिनिश दी हुई है, थोड़ा फिसलने वगैरह का सिस्टम है एंड मुझे जो बिल्ड क्वालिटी है वो गाइज एज पर प्राइस तो ठीक है लेकिन पसंद नहीं आई। ओके, एंड केस ये भी लूज़ है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टिप ईयर टिप्स मिलने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि पूरा प्लास्टिक दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक की फिनिश मिलती है, कंप्लीट प्लास्टिक है। बोल्ट का लोगो यहाँ पे दिया गया है एंड ये कुछ कुछ एप्पल के जो एयरपोर्ट्स थे उनकी तरह से बोल्ट ने यहाँ पे सेप देने की कोशिश की है। ओके, केस की अगर बात करें नीचे एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, सामने की तरफ आपको LED लाइट मिल जाती हैं, दो ईयरबड्स हैं एंड सामने बोल्ट ऑडियो का बस नैम है। मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप ठीक है इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज में गाइज इनको 7 मार्क्स दे रहा हूँ एज पर प्राइस, क्योंकि आपको 1000 रुपीज़ में भी काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। तो एक बार हम इनको पेयर कर लेते हैं हमारे स्मार्टफोन के साथ एंड जान लेते हैं कि पेयरिंग आसान है आसान नहीं है, वो चीज़ हम देख लेते हैं एंड अदर थिंग्स को साइड में रख देते हैं। पेयरिंग के लिए क्या करना होगा, आपको लिड ओपन करना होगा एंड लिड ओपन करके आपको अपने जो ईयरबड्स हैं वो केस से निकाल लेने हैं। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार स्कैन कर लेता हूँ। गेटिंग डिवाइस नेम एंड बोल्ट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, पेयर हो चुके हैं। ओके, तो पेयरिंग तो काफ़ी आसान थी गाइज, टच सेंसर यहाँ पे इस पोर्शन पे हैं आपको मिल जाते हैं। 24 घंटे का बैटरी बैकअप बोल्ट यहाँ पे आपको प्रॉमिस करता है, बाकी फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो गाइस जब मैंने इनका बुकलेट यहाँ पे ओपन किया एंड चेक किया तो बुकलेट में यहाँ पे ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी दी गई है, बट अगर आप इनके केस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5.0 कनेक्टिविटी दी गई है। 13 mm के यहाँ पे ड्राइवर आपको मिल जाते हैं, 24 आवर का बैटरी बैकअप आपको बोट जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं एंड चार्जिंग टाइम की बात करें तो ईयरबड्स एंड केस का दोनों का चार्जिंग टाइम 1 घंटा है, 1-1 घंटे में दोनों आपके चार्ज हो जाएंगे। तो 1 घंटा चार्जिंग टाइम काफ़ी सही है गाइस एंड 24 घंटे अगर बैटरी लाइफ आप कंसिडर करें, 1000 रुपीज़ में
जो एक एंट्री लेवल ईयरबड्स ट्यूबलेस हैं एंड आप बजट ट्यूबलेस बोल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी डील है आपको। बट क्या इनकी कॉल क्वालिटी, क्या इनकी साउंड क्वालिटी वर्थ 1000 रुपीज़ है या नहीं है? ओके, तो गाइज अभी मैंने इनको पेयर किया हुआ था एंड ये ऑटोमेटिकली जो थे वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गए अगर मैं अपने फ़ोन से यूज़ नहीं कर रहा तो। ओके, तो मैं अभी एक म्यूज़िक यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एंड आपको बता देता हूँ कि किस टाइप की साउंड क्वालिटी एंड बास आपको मिल जाता है। तो गाइज़ अगर आपको थोड़ी बहुत अगर साउंड भी आ रही है तो गाइज़ एज 1000 रुपीज़ साउंड इनकी वर्थ इट है। साउंड वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बास आपको ठीक मिल जाता है। बट अगर आप इनको कंपेयर करने जाएंगे और 1500 रुपये 1300 रुपये के ईयरबड्स, तो उनसे तो ऑब्वियसली कम आपको बास मिलेगा। बट 1000 रुपीज़ के ईयरबड्स के अकॉर्डिंग बास आपको अच्छा मिल जाता है। अगर आप वायर्ड ईयरफोन लेते हैं तो उनमें आपको कहीं ज़्यादा बेटर बास मिल जाएगा इस प्राइस पे। ओके, तो मैं बास वाइज इनको कंसिडरिंग प्राइस पॉइंट, मैं सिर्फ इनको जो है 7.5 मार्क्स दे रहा हूँ। एंड जो साउंड लाउडनेस वाइज है, लाउडनेस काफ़ी है, इनफ है लाउडनेस। लाउडनेस वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, तो लाउडनेस वाइज एंड मैं इनको 9 मार्क्स यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अगर आप लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, आप आउट एरिया में हैं, आप कार ट्रैवलिंग का ज़्यादा काम है, तो उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप काफ़ी आराम से अपना म्यूजिक एंजॉय कर पाएंगे। बट जो नॉइस कैंसिलेशन वाली चीज़ है या इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वाली चीज़ है, वो आपको इतने देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एयर फिटिंग थोड़ी ठीक है, जिससे थोड़ी बहुत जो है आउटर नॉइस आपकी वो नेग्लेक्ट हो सकती है, वो कम हो सकती है। बट इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। बोट की ओर से कोई भी आपको वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ या डस्ट प्रूफ वगैरह का कोई भी प्रोमिस यहाँ पे नहीं किया गया है। तो आप इनको स्वेट आपका अगर गेमिंग वगैरह का है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बट जिम वगैरह में आप इनको यूज़ मत कीजिए। अगर स्वेट होगा तो मे बी आपके जो ईयरबड्स हैं वो फॉल्टी हो सकते हैं कुछ टाइम बाद। ओके, बात कर लेते हैं इनकी कॉल क्वालिटी की। कॉल क्वालिटी क्या है 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, आपको क्या ठीक ठाक कॉल क्वालिटी मिलती है या नहीं मिलती, वो चीज़ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसी कॉल क्वालिटी आपको बोल्ट के एक्सपोर्ट से मिल जाती है। पर आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं कि माइक क्वालिटी आपको कैसे रही, बाकी मैं टेस्ट करके आपको बता दूंगा इस टाइप की माइक क्वालिटी एक्सपोर्ट आपको ऑफर कर देगा। तो गाइज हमने इनका माइक टेस्ट भी कर लिया, कॉल क्वालिटी आप बेसिकली बोल लीजिए वो टेस्ट हमने कर लिया है एंड रिजल्ट काफ़ी सरप्राइजिंग है एंड काफ़ी गुड है। एज पर दिस प्राइस गाइज आपको डिसेंट कॉल क्वालिटी माइक क्वालिटी मिल जाती है। बोल्ट आपको काफ़ी अच्छी माइक क्वालिटी अंडर 1000 रुपीज़ ऑफर कर रहा है। तो आप इनको कॉलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है आप आउटर साइड आउटर एरिया में वो चीज़ मत कीजिए। अगर नॉइस एनवायरनमेंट होगा देन डेफिनेटली ये कोई भी नॉइस कैंसिलेशन ऑफर नहीं कर रहे, तो जो दूसरे एंड पे पर्सन है उनको आपकी वॉइस पहुंचने में दिक्कत होगी एंड वो आपको सुन नहीं पाएंगे। हालांकि आप तो उनको सुन पाएंगे बट आप जो है वो आपको नहीं सुन पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ मुझे लगी गाइज एंड जो है अच्छी बात है, इस प्राइस रेंज पे आपको इतनी अच्छी कॉल क्वालिटी मिल जाती है। बट अभी मुझे कुछ टाइम ही हुआ है, रिव्यू टाइम पे ही मैंने यूज़ किया एंड ऑलरेडी 3 बार डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है या कुछ फिक्स मुझे करना होगा। इवन ये कान में भी रहते हैं बट उसके बाद भी कनेक्ट से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे वो चीज़ एक बार देखनी होगी ना, आपको बतानी होगी कि क्या वो फिक्सेबल है या फिक्सेबल नहीं है। एक बार इनको रीसेट कर लेंगे लेटर ऑन अगर ये दिक्कत बनी रहती है तो। बट एज पर जो फर्स्ट इम्प्रेशन है गाइज,
कैसे एयरबड्स हैं, कैसे ट्यूबलेस ये आपको ऑफर कर रहे हैं। तो गाइज अच्छे खासे ट्यूबलेस बोल्ट एक्सपोर्ट हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं डेफिनेटली। बट इनका जो कंपटीटर है वो आपके मीवी F30 है, बट प्राइस उनका हालांकि अभी इंक्रीज हो चुका है, ये अभी भी आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएंगे, वो आपको 1200 रुपीज़ में मिलेंगे। ओके वो आपके ऊपर है आपको कौन से लेने हैं, कंपैरिजन वीडियो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। एंड ट्राई करूँगा आज ही इवनिंग तक वो वीडियो आपके लिए ला के दे दूँ मैं। तो गाइस गेमिंग के लिए अगर आप इनको देख रहे हैं तो गेमिंग के लिए मत इनको लीजिए, मत परचेज कीजिए, गेमिंग के लिए नहीं बने ये टीवीएस, नॉर्मल कूलिंग एंड आप म्यूजिक वगैरह का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप बास फैन हैं तो भी आप इनको अवॉइड कर सकते हैं इस प्राइस रेंज पे, हालांकि ठीक ठाक मिल जाता है, बट आप चाहेंगे बेस्ट इन द क्लास तो वो आपको मिसिंग मिलेगा। ओके तो इस रिमार्क पे ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। एंड बोल्ट एक्सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे 9 मार्क्स इनको दे रहा हूँ, बिकॉज इनकी साउंड लाउडनेस, चार्जिंग टाइम, बैटरी लाइफ एंड इनकी कॉल क्वालिटी, माइक क्वालिटी की वजह से गेमिंग के लिए आप इतने बजट में ऑफ ये ईयरबड्स नहीं ले सकते, तो वो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा खासा पसंद नहीं आया एंड थोड़ा बहुत जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम मुझे लगा। ओके वो चीज़ हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, बट आप मुझे बताइए कि ये आपको कैसे लगे ईयरबड्स, क्या आपने परचेज किए हैं या आप परचेज करने जा रहे हैं। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय गाइस।